गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, तितिक्षा मैम सीओस। टुडे आई टीचिंग स्टैंडर्ड फोर्थ यूनिट थर्ड। ग्रामर पॉइंट है इंग्लिश ग्रामर। यूनिट थर्ड है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर वन, सप्लाई अ सुटेबल नाउन फॉर ईच ब्लैंक। ये क्या है आप लोगों की इंग्लिश ग्रामर की वर्कशीट्स है। ओके, क्वेश्चन नंबर वन है सप्लाई अ सुटेबल नाउन फॉर ईच ब्लैंक। आप लोगों को क्या करना है, इसमें से मुझे नाउन जो है वो दिखाना है। ओके, नंबर वन, मनीषा इज माई बेस्ट फ्रेंड। आंसर क्या आएगा उसका, फ्रेंड आएगा। आई गो टू स्कूल बाय बस। ओके, आंसर्स भी मैं आप लोगों को बोलते ही जा रही हूँ। आवर स्कूल हैज़ 50 रूम। हमारे यहाँ पे कितने रूम हैं स्कूल में, 50 रूम्स है। द ब्लैंक इज शाइनिंग इन द स्काई, तो क्या आएगा, सन। शी गेव मी ब्लैंक ऑन माई बर्थडे, उसने मुझे बर्थडे पे क्या दिया, वॉच ली। ओके, गिव मी अ वॉच। ओके, उसके बाद का क्वेश्चन नंबर टू है सप्लाई अ सुटेबल ऑब्जेक्टिव फॉर ईच ब्लैंक। अब हमें इसमें क्या लिखना है, आप लोगों को एब्जेक्टिव देना है। नैनी इज अ विश गर्ल। उसके बाद में दूसरा क्या है, डोंट प्ले विथ ब्लैंक बॉय, तो बैड। थर्ड नंबर है वेयर ऑरेंज आर वेरी ब्लैंक टेस्टी, उसमें क्या है, ऑरेंज कैसा है, टेस्टी है। शी वॉज वेयरिंग अ न्यू फ्रॉक, न्यू क्या है उसका आंसर है, एडजेक्टिव है। सप्लाई अ सुटेबल प्रोनाउन, आप लोगों को क्या देना है, अब प्रोनाउन देना है। नंदू इज अ फार्मर, ब्लैंक हैज एन ऑक्स, तो क्या है, नंदू कौन है, ही। इट मीन्स जब बॉय के लिए कोई बोला जाता है वर्ड्स तो उसके लिए ही यूज होगा, गर्ल के लिए शी और अनदर थिंग्स के लिए दे। ओके, रोहन हैज़ अ काइट, ब्लैंक इज अ बिग काइट, तो क्या आएगा, वो अनदर थिंग है, क्यों, क्योंकि काइट है वो कोई गर्ल नहीं है, कोई बॉय नहीं है, तो उसके लिए क्या आएगा, ईट आएगा। ओके, ब्लैंक आई एम अ स्टैंडर्ड फोर एंड ब्लैंक, तो क्या आएगा, आई, आई एम ए, आई। ओके, एम के सामने पहले का क्या आता है, आई, आई एम ए स्टैंडर्ड फोर्थ एंड यू, यू एन ए, उसके बाद उसने क्वेश्चन मार्क दिया है, तो उसके बाद क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा कि मैं स्टैंडर्ड फोर्थ में पढ़ रही हूँ, बट आप किस कौन से स्टैंडर्ड में हो, यू। ओके, उसके नंबर का बाद में देखेंगे। फोन नंबर का, मिस माला इज अ टीचर, ब्लैंक टीचर्स हिंदी, तो टीचर्स एंड टीचर्स, लेकिन माला क्या है, गर्ल है कि बॉय है, तो गर्ल है, तो इसलिए क्या आएगा, शी। ओके, सप्लाई अ सुटेबल वर्ब फॉर्म ईच ब्लैंक, वर्ब देखना है। नंबर वन, मंकी ब्लैंक इन ट्री, तो मंकी कहाँ रहता है, लीव, लीव यानी रहना, लीव इन ट्री, मंकी कहाँ रहता है, लीव, झाड़ के ऊपर रहता है। द काउ ब्लैंक अस मिल्क, तो हमें काउ क्या देती है, मिल्क देती है, तो गिव हमें देना यानी गिव, गिव अस मिल्क। द सन ब्लैंक इन द वेस्ट, तो सन कहाँ उगता है, उगने को क्या बोलते हैं, सेट, सेट कहाँ होता है, ईस्ट में होता है, तो सेट। चिल्ड्रन ब्लैंक स्वीट, तो चिल्ड्रन को क्या पसंद है, ब्लैंक में क्या आएगा, लाइक, क्या पसंद है, तो स्वीट पसंद है, तो लाइक। चूज अ सुटेबल एडवर्ब फॉर ईच ब्लैंक, आपको मैंने ऊपर ऑप्शंस दिए गए हैं आंसर्स के, इजी, ओके, इजीली, स्लोली, हैवी एंड ब्राइट, अब आपको इस हिसाब से आंसर्स लिखना है। इट वॉज रेनी कैसा है, हैवी। आई कैन स्लो दिस सम इजीली। द सन वॉज शाइनिंग ब्राइटली। द ओल्ड मैन वॉक स्लोली। ओके, तो इसके बाद आप लोगों की ये वर्कशीट क्या होती है, यहाँ पर ही ख़त्म हो जाती है, आप लोगों की वर्कशीट पूरी हो गई है। ओके, थैंक यू।